हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुस्कान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉलिटी विद मुस्कान। नमस्ते। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मुझे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, क्योंकि आने वाली सारी अपडेट्स मेरे वीडियोस की मैं वहाँ पर अपडेट करते रहती हूँ, मेंशन करती रहती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आने वाला है। कल है मेरा इंटरव्यू और आज मुझे पता चल रहा है, अब मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मैं इंटरव्यूज़ में कैसे परफॉर्म करूँगी अच्छे से। बहुत बारी ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हमारा फॉर एग्जांपल इंटरव्यू होता है, हमें पता चलता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। या तो प्रॉब्लम ये आती है या हम डर जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ना थोड़ा कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आ जाती है कि क्या हमारा इंटरव्यू निकलेगा नहीं निकलेगा। इस चक्कर में हम इंटरव्यू भी ख़राब कर देते हैं। तो अभी आज के वीडियो में मैं आपको लास्ट मिनट टिप्स बताने वाली हूँ जो मैंने फॉलो किया है, और मैं चाहती हूँ कि वो टिप्स को आप भी फॉलो करें। और आई होप आज का वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहली चीज़ होती है आपका रेज्यूमे। एक दिन पहले इंटरव्यू के आप रेज्यूमे लेके बैठिए। रेज्यूमे में जो भी चीज़ें आपने लिखी है सारी चीज़ें पढ़िए। एक एक चीज़ आपको रेज्यूमे की आनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इंटरव्यूअर सारी चीज़ें आपके रेज्यूमे के अंदर से ही पूछते हैं, बाहर का वो कुछ नहीं पूछते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपना रेज्यूमे अच्छे से पढ़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रेशर है तो आपने जो भी डेटा साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लिखे हैं वो तो आपको आने ही चाहिए। उसके अलावा आप जो कॉलेज में भी प्रोजेक्ट्स करते हैं फाइनल ईयर के, इफ़ यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, तो आपको वो भी पढ़ने चाहिए और अच्छे से उसको प्रिपेयर कीजिए। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको क्या करना है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो आपने लिखा होगा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली उसको पढ़िए। नेक्स्ट, आपने और भी अगर साइड कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं तो आपको वो भी पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए आपका, रेज्यूमे। रेज्यूमे पढ़ते वक्त मैंने आपको एक पॉइंट कहा है प्रोजेक्ट्स पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट्स को पढ़ लीजिए। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं टेक्निकल स्किल्स पर। टेक्निकल स्किल्स में जितनी भी चीज़ें लिखी है आपने, जितनी भी लैंग्वेज, डेटाबेस की लैंग्वेजेस, विजुअलाइजेशन टूल्स, ये सारी चीज़ों पर फोकस कीजिए। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, दिस इज माई नोट्स। इसके अंदर मैं जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ी है इंटरव्यूज़ के वक्त, सारी चीज़ों की हार्ड कॉपी मेरे पास है। इंटरव्यूज़ के वक्त मैं क्योंकि प्लेस नहीं हो पा रही थी तो मैंने स्टार्ट कर दिया था लिखना कि मुझे कौन से इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके अलावा मुझे क्या चीज़ें आती है मैं सारी चीज़ें लिख कर रखती थी। तो ट्राई कीजिए ना कि आप भी इस तरह से नोट्स बना लें। तो लास्ट मिनट में आपके पास क्या होगा ना, ये आपके पास एक नोट्स होगे, हार्ड कॉपी होगी, या तो अगर आपको सॉफ्ट कॉपी पसंद है रखनी, आपको लिखना मतलब नहीं पसंद है, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है उसके लिए। आप क्या कर सकते हैं, विंडोज़, अगर आपके पास लैपटॉप है नॉर्मल वाला, तो आप उसमें वन नोट डाउनलोड कर सकते हैं, या तो वो इनबिल्ट होता है। वन नोट बहुत अच्छा है आपके डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन रखने के लिए, तो आप उसमें अपने नोट्स बना सकते हैं। देन सपोज आपका कल इंटरव्यू है, आज आप क्या कीजिए, ये आपके पास जो नोट्स है ना, सिर्फ इसको रेफ़र कीजिए। कोई 10 जगह की वेबसाइट से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये मैं फॉलो करती थी और इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि मेरे पास ना क्लियरिटी होती थी आंसर्स की, तो मैं एक ही आंसर हर जगह बोलती थी जितने भी इंटरव्यूज देती थी। रेज्यूमे की बात कर ली हमने, नोट्स की भी बात कर ली, पर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने छोड़ दिया, वो है पजल्स और गेस्टिमेट्स। आपको सब कुछ आता है, आपको सारी टेक्निकल स्किल्स, सारे कोडिंग, सब कुछ आता है, पर अगर आपने पजल्स नहीं बता पाए या तो आप गेस्टिमेट्स नहीं आंसर कर पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए एक दिन पहले ही आप सारे मतलब कुछ कुछ गूगल से पजल्स देख लीजिए, कुछ कुछ आप गेस्टिमेट्स देख सकते हैं, जिससे क्या होगा ना कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट होता है कि आप ऐसे कंफ्यूजिंग जो टर्म्स होते हैं ना, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, या तो आप इंटरव्यू देने से एक दो घंटे पहले भी इसको पढ़ सकते हो। जैसे कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन के मीन्स एंड के एन एन, तो ये दोनों वर्ड्स जो है, मतलब जो अल्गोरिदम्स है, नाम जो है सेम लगते हैं, जिसकी वजह से हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। लॉजिस्टिक और लीनियर रिग्रेशन हो गया, प्रिसीजन रिकॉल हो गया,
अल्टर और डिलीट में डिफरेंस हो गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यूअर्स ज़्यादातर पूछते हैं और आपको वो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए ये सारे जो टर्म्स होते हैं ना इसको आप एक दिन पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, तो क्या होगा ना कि आप कंफ्यूज भी नहीं होगे और आप आंसर दे सकते हो। आपको पजल्स और गेस्टिमेट्स रट्टा नहीं मारना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि यार यही पजल पूछ सकते हैं तो हमें नहीं समझ रहे तो हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। टाइम पर आपको कुछ भी चीज़ें वो पूछ सकते हैं, जो इंटरव्यूअर का मन करेगा वो आपको पूछेगा चीज़ें। नेक्स्ट मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो भी पाइथन के बेसिक सिंटैक्स है आप उसको भी देख लीजिए और एसक्यूएल के भी बेसिक सिंटैक्स आप देख लीजिए। इसके अलावा आपने जो भी प्रोजेक्ट्स किए उसका जो कोड होता है, आप ऑब्वियसली मशीन लर्निंग में डेटा सेट में काम कर रहे हो तो आप आर या पाइथन या तो कोई भी लैंग्वेज में आप कोड कर रहे होते हैं, तो आप क्या कीजिए ना कि आपने जो कोड लिखा है उसको बस एक बार ही देख लीजिए कि हमने कैसे कैसे चीज़ें परफॉर्म की है, क्या उसका फ्लो था, दैट्स इट। अगर इंटरव्यूअर ने आपको कह दिया कि मुझे आपने ADA कैसे परफॉर्म किया था, आप उसका कोड लिखे बता दीजिए। आपने कोई पाइथन की लाइब्रेरी यूज़ की है तो आपने कैसे यूज़ किया उसका कोड लिखे बता दीजिए, तो आपको वो भी चीज़ें आनी चाहिए। तो इसीलिए ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं एक दिन पहले, और मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप खुद के एक नोट्स बना लीजिए, जिससे क्या होगा ना आप 10 जगह से नहीं पढ़ते हुए सिर्फ एक जगह से पढ़ोगे, आपके खुद के नोट्स होंगे, तो वो बहुत इजी जाता है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है पर आपको वो हमेशा काम आएगी वो चीज़, दैट्स इट। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। डेटा साइंस से रिलेटेड कौन से वीडियोज आप देखने पसंद करना चाहते हो मेंशन करके ज़रूर बताना डिस्क्रिप्शन में। याद आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कौन से वीडियोज़ आप देखना पसंद करोगे डेटा साइंस के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताना।